आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन क्या बनाती है? आईएएस, मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इंजीनियर्स बनाती है, डॉक्टर्स बनाती है, ये बनाती है। ये हमारी मॉडर्न एजुकेशन आज ये बनाती है। जो हमारी प्री मॉडर्न एजुकेशन थी, ये भगवान बनाती थी। आपने शायद कभी अपने शिक्षकों से, अपने टीचरों से, अपने परिवार से शायद ये सवाल नहीं किया होगा कि भगवान भारत में ही क्यों पैदा होता है। आखिर ऐसा क्या है कि भगवान को इतना क्या लगाव है भारत से जो भगवान भारत में पैदा होता है? प्रभु राम, श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान कबीर, भगवान रविदास, भगवान नानक। आपने शायद यह सवाल नहीं किया होगा कि भगवान इस देश में क्यों पैदा होते हैं और भगवान हमने माना किसको? कौन है भगवान? अब जिस पैदा हम सब हुए इंद्रियों पे, सेंसेस पे, हमारा 20 साल तक सामना रहा सेंसेस से, और 20 साल से जिसके साथ रहेंगे ना सर, तो उससे मोह बढ़ जाएगा, अनुराग बढ़ जाएगा सर, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। तो जिन्होंने भी सेंसस को छोड़ दिया और कॉन्शियस पे जीने लगे, हमने उन्हें भगवान मान लिया कि बहुत बड़ा काम कर डाला यार। जिन्होंने भी इस देश में, जिन्होंने भी सेंसस का त्याग करके, मतलब छोटी चीज को छोड़कर, इसीलिए इस देश की परंपरा में त्याग शब्द का बड़ा महत्व है। लेकिन त्याग मतलब ये नहीं भिखमंगे हो जाओ, अपना घर दान कर दिए, अपनी गाड़ी दान कर दी, अपना सारा पैसा दान कर दिया, भीख मांगने लगे, वो मूर्खता है। मैंने कल आपसे कहा था ना कि बहादुरी में और पागलपन में थिन लाइन डिफरेंस है। कुछ वर्ड हैं दुनिया में, इसका त्याग, इसका राम ने राज्य का त्याग किया। अरे बहुत बड़ा त्याग कर दिया, कोई बड़ा त्याग नहीं किया, क्योंकि जब वो लौटे तो भगवान बन के लौटे। जब भी आप किसी छोटे चीज का त्याग करेंगे और उससे बड़ी चीज की उपलब्धि होगी, तो आप स्वाभाविक तौर पे महान बनेंगे। किसी छोटी चीज को, हमारे देश में क्या है ना, शब्दों को बड़ा उल्टा सीधा कर दिया गया। ध्यान करोगे तो सन्यासी बन जाओगे। तो बहुत सारे लड़कों को मैं कहता हूं ध्यान करो तो उनके मां बाप बड़े नाराज होते हैं, कह रहे अब ये उम्र है ध्यान करने की। हाँ सर, तो किस उम्र में ध्यान कराओगे? जैसे सन्यासी, सन्यासी मतलब जो घर छोड़ दे? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भगोड़े हैं सर। जो घर छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, मां बाप छोड़ दे, वो भगोड़ा है सर। हमने कृष्ण को भगवान कहा, बुद्ध को भगवान नहीं कहा। बुद्ध संत हैं, वो तो अपनी एक वो है कि उनके बहुत मानने वालों ने उनको भगवान कहना शुरू किया, यहां तक मैं भी उन्हें भगवान ही मानता हूं। कृष्ण दुनिया में रहकर जो दुनिया से अलग रहे, हमने कृष्ण को परम अवतार कहा। दुनिया में रहकर सर, सारी चैलेंजेस को सामना करते हुए, तो इस शिक्षा में ऐसा क्या एडिशनल था कि लोग भगवान बनते थे? ध्यान, ध्यान, आज यहां मिसिंग है सर। एक ध्यानी बहुत अच्छा आईएएस ऑफिसर बन सकता है, एक ध्यानी बहुत अच्छा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है, वही एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी की जो मैं बात कह रहा था। एक ध्यानी बहुत अच्छा इंजीनियर बन सकता है, एक ध्यानी बहुत बेहतरीन डॉक्टर बन सकता है। ध्यानी मतलब जिसकी नजर अपने मन पर निरंतर बनी हुई है,